हे दोस्तों, मैं हूँ आयुष और इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे सैमसंग के एक नए सीरीज के बारे में जिसका नाम है एम सीरीज। तो यहाँ पे सैमसंग ने लॉन्च करा है दो फोन M10 और M20। तो इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे इसी फोन्स के बारे में, क्यों सैमसंग इस मिड रेंज प्राइस में फोन उतार रहा है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। दोस्तों, यहाँ पे सैमसंग ने लॉन्च किया है दो फोन जिसका नाम है M10 और M20। ये बिल्कुल बजट रेंज फोन है। अगर आज की बात करें तो लोग यहाँ पे ज्यादा प्रेफर करते हैं 8 से लेकर 15 हज़ार की फोन खरीदने में, जो कि मिड रेंज फोन होते हैं। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज के फोन आते हैं, एक लो एंड फोन, एक आते हैं मिड रेंज फोन, एक आते हैं हाई एंड फोन। तो यहाँ पे सैमसंग हाई एंड रेंज में तो राजा बना ही है, लेकिन यहाँ पे मिड रेंज और लो रेंज फोन में राजा की अगर बात करें जिस सबसे ज्यादा फोन बिकती है तो बिकती है साउमी की या फिर रियलमी, जो एक नई कंपनी आई है उसकी। तो यहाँ पे सैमसंग कैसे पीछे हट सकता है, मतलब वो हाई डिवाइसेस तो बेच ही रहा है ज्यादा दामों पे, जिसका कोई भी मतलब आप कंपटीशन नहीं बोल सकते हो वन प्लस को अगर साइड में रख दिया जाए। तो यहाँ पे सैमसंग ये सोच रहा है कि क्यों ना वो मिड रेंज में भी अपने फोन को उतारे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा ले। तो यहाँ पे बात बहुत अच्छी निकल के यहाँ पे ये आती है कि सैमसंग ने लॉन्च किया दो फोन, इससे बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको और हमारा है। मतलब आपको यहाँ पे कॉम्पिटिशन और देखने को मिल गई, मतलब पहले जहाँ पे 2 या 3 ब्रांड थे, लाइक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ सोमी या फिर रियलमी या फिर एक दो और ऐसे ब्रांड थे जो मिड रेंज में काफी अच्छा फोन दे रहे थे, लाइक ऑनर, असूस, तो इनके साथ एक और कॉम्पिटिशन जुड़ गया है सैमसंग का। तो यहाँ पे सैमसंग दो फोन लॉन्च करा है जिसके अगर मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताऊँ तो सबसे पहले मैं आपको प्राइस बताना चाहूंगा। तो M20 की प्राइस यहाँ पे उन्होंने रखी है 11,000 रुपए और यहाँ पे M10 की प्राइस रखी उन्होंने 8,000 रुपए, जो कि आपको अमेजोन पे 5 फरवरी को दोपहर के 12 बजे से सेल स्टार्ट हो जाएगी, शायद एक बार आप चेक कर लेना। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं M20 की। तो M20 में आपको बिल्कुल एकदम फारू फीचर देखने को मिलता है। सबसे पहले मत आपको एक नॉच डिस्प्ले मिल रहा है सैमसंग के फोन में, वो भी पहली बार वी नॉच आपको देखने को मिल रहा है। वीडियोस देख ही लिए होंगे सैमसंग के जो लाइव इवेंट में हुआ था, नहीं देख रहे तो आप यहाँ पे साइड में कहीं पे फोटोज आ रही होंगे, आप देख सकते हो। तो 5 तारीख को ये फर्स्ट सेल लगने वाला है। बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको 6.3 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल रही है M20 में। वहीं पे बात करें M10 की तो वहाँ पे आपको 6.2 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल रही है। फुल HD डिस्प्ले है दोनों का, नॉइज डिस्प्ले है 19:9 रेशियो का डिस्प्ले है। यहाँ पे M20 आपको दो वेरियंट में देखने को मिलेगी, लाइक 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी वाली और 4/64 में, लेकिन यहाँ पे आपको M10 देखने को मिलेगी सिर्फ 2 वेरियंट में, 2/16 और 3/32 में। तो यहाँ पे प्राइस रेंज में 4,000 का डिफर है, तो M10 भी काफी अच्छी है यहाँ पे 8,000 के रेंज में और वहाँ पे M20 भी बहुत अच्छी है। इसका सीधा सीधा टक्कर है यहाँ पे Xiaomi के फोन से। और अगर बात करें फीचर्स की तो पीछे कैमरा दिया गया है दोनों फोन में 13+5 MP का। कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी बताई जा रही है सैमसंग के थ्रू, लेकिन यहाँ पे M20 में आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा 8 MP का विद F2.0 अपर्चर के साथ, वहीं पे आपको M10 में मिलेगा 5 MP का कैमरा। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन फ्लैश देखने को मिलेगा, आपको सामने कोई सब फ्लैश देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि लुक्स एंड डिजाइन की, मतलब पीछे आपको फुल्ली यूनिबॉडी डिजाइन मिल रही है, मतलब आपको कोई सा भी ऐसा कट्स देखने को नहीं मिल रहा, बिल्कुल फोन को बहुत ही स्लीक बनाया गया है। और ऊपर आपको नॉच देखने को मिल रहा है। और रिजल्ट की बात करें तो 90% तक आपको स्क्रीन और बॉडी का परसेंटेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फोन काफी अच्छा उन्होंने लॉन्च करा है, बस शर्त ये है कि वो इजिली अवेलेबल करवाते रहे यूजर के लिए। फिलहाल कुछ रफ फीचर ये थे। प्रोसेसर की बात करते हैं, आपको 1.6 डुअल कोर और प्लस 1.6 हेक्सा कोर आपको प्रोसेसर देखने को मिल रहा है M20 में। फोन काफी अच्छा होने वाला है, बस शर्त ये है कि सैमसंग बस वही इजिली अवेलेबल करवाते रहे और जो भी उनके सेल लग रहे हैं तो इजिली यूजर को मिलते रहे। फोन का फर्स्ट इंप्रेशन मैंने देखा यूट्यूब पे, बहुत से यूट्यूबर अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, तो मुझे फोन काफी पर्सनली पसंद आया। लुक्स एंड डिजाइन, सबसे बड़ी बात आती है प्राइस रेंज। इस प्राइस रेंज में सैमसंग इतने बड़े ब्रांड होने के बाद भी इस प्राइस रेंज में इतने अच्छे फोन ला रहा है, तो कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी ही। तो अगर आप फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे 8 से 10 हज़ार या फिर 10 से 12 या 13 हज़ार रुपए तक में, तो आप ये फोन ले सकते हैं। 5 तारीख को आपको सेल लगने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे कनेक्टेड, गुड बाय एंड हैव ए गुड डे।